आखिर भागलपुर से हवाई सेवा की शुरुआत कब होगी? यह सवाल पूरा भागलपुर पूछ रहा है और लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष भी कर रहे हैं। भागलपुर हवाई सेवा संघर्ष समिति ने फिर एक बार भागलपुर में हवाई जहाज उड़ान भरने को लेकर मुहिम छेड़ी है। हवाई सेवा संघर्ष समिति के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भागलपुर शहर के सभी वार्डों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही यह मुहिम छेड़ी है कि हवाई सेवा जो है भागलपुर से शुरू कर ही मानेंगे। देखिए इस बात को लेकर जो लोग हैं जो वो क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले देखिए। मार्च 2022 को हवाई जहाज के मुद्दे पर इसी दीप नारायण स्मारक पर भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में आंदोलन का शुभारंभ हुआ था और यहां पर एक बड़ा सा महाधरना का आयोजन किया गया था। बिना किसी को परेशान किए न बंद करना है न खुला करना है, किसी विध्वंस के बगैर हमने अपनी आवाज़ को भारत सरकार और बिहार सरकार तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन हमारे लोगों ने किया था। हम लोगों को आश्वासन भी मिला, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भाई सिंधिया जी से भी, ज्योतिराज सिंधिया जी से भी हम लोग मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ के स्थानीय सांसद अजय मंडल जी ने भी हम लोगों को मिलवाने का काम किया, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग को लगा कि अब यदि नहीं जगेगा भागलपुर तो फिर कब जगेगा। सारे लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने फिर इस आवाज़ को उठाने के लिए अभी एक सप्ताह कबल हम लोगों ने बैठक की और ग्रीन फील्ड को लेकर, भागलपुर में ग्रीन फील्ड को लेकर हम लोग एक हवाई जहाज का एयर पट्टी और हम लोग हवाई सेवा के लिए फिर से इस आंदोलन का स्थगित आंदोलन को शुभारंभ किया है। और हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भागलपुर ने गुनाह क्या किया है, भागलपुर ने गलती क्या की है जिसको कि राजधानी एक्सप्रेस नसीब नहीं हो रहा है, जिसको कि वंदे भारत नहीं हो पा रहा है, जिसको कि एक तेज रफ्तार का कोई रेलगाड़ी नहीं हो रहा है, रेलवे का मंडल कार्यालय नहीं हो पा रहा है, तो क्या भागलपुर की जनता चुप रहेगी? धंधा बंद होगा, हवाई जहाज से संबंध ऑटो का, टोटो का, सिंगाड़ा वाले का, फल वाले का, एक आम शहरी का है। हम लोग, आप जाइए अभी रेलगाड़ी में, ट्रेन में कोई टिकट उपलब्ध होली तक नहीं है, तो भागलपुर क्या हम लोग इस तरह से देखते रहेंगे? और जनप्रतिनिधियों के तरफ से कोई मदद नहीं है। बिहार सरकार ने अभी तक भारत सरकार को कोई भी प्रस्ताव हवाई पट्टी के लिए नहीं भेजा है, हार्ड कॉपी है। पार्लियामेंट में 2 फरवरी को जो क्वेश्चंस किया गया और उसके जवाब में जो जवाब मिला है, वो जवाब आप तमाम प्रेस के लोग हैं, हम सिर्फ यही बताने आए हैं कि जो सरकार, जो पार्टी हमारे भागलपुर शहर के हित की बात करेगा, हवाई सेवा का यहाँ उड़ान करेगा, पूर्णिया में आप देख लीजिए रोज का रोज आंदोलन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भागलपुर के जितने भी लोग हैं वो चुक नहीं बैठेंगे, भागलपुर हवाई जहाज लेना। तो आपने सुना कि भागलपुर के हवाई सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल जायसवाल ने कहा कि हर जिलों की अपेक्षा भागलपुर को चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसे अपेक्षित नजरों से देख रही है। ना तो भागलपुर को अच्छी ट्रेन की सुविधा दी गई है और ना ही एम्स की सुविधा है और ना ही हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। इसको लेकर उन्होंने भागलपुर के जितने नेता हैं उन पर भी आरोप लगाया। इसके अलावे साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी इस मामले को लेकर दोषी ठहराया है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।